आप एक दुकान खोल सकते हो और उसका आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। जुगाड़ अगर नाम है तो भाई इंडिया नंबर वन पे रहता है जुगाड़ में। तो सेंटरों पे लगाते हैं भैया जी, सेंटर देख के आप चले मत जाना भाई, पीछे देखना, पीछे ही मिलेगा आपको माल। यहाँ के मतलब चलती फिरती दुकान पे बहुत बढ़िया राजमा चावल बनता है। चलती फिरती दुकान भाई देख रहे हो। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नेशनल टेस्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं ना जो आप शॉप भी खोल लोगे और उसका आपको रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो भाई ऐसी कौन सी कैसे की दुकान खोल सकते हैं, आप एक दुकान खोल सकते हो और उसका आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। सोच सकते हो ना भाई कितनी बड़ी बात है, लेकिन ये जुगाड़ है भाई एक, जो कि इंडिया के अंदर ही होता है। जुगाड़ अगर नाम है तो भाई इंडिया नंबर वन पे रहता है जुगाड़ में। तो चलिए चल के दिखाते हैं आपको ऐसी क्या चीज़ है। आइए। तो गाइस ये क्या है, आप भी बोल रहे हो यार ये तो एक कार है बस। कौन सी कार है? सेंट्रो कार है। लेकिन गाइस इसे कार मत समझना, ये कार तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और उसके अंदर है, वो बड़ी खास चीज़ है। तो चलिए दिखाते हैं इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है। आगे से कार है, पीछे से है ये एक स्टॉल। तो चलिए इसका बैकग्राउंड दिखाते हैं कैसा है। तो चलिए चलते हैं भैया से एक बार बात करते हैं। हाँ जी भैया जी, क्या नाम है जी आपकी शॉप का? जी खाटू श्याम के नाम से। अच्छा जी, खाटू श्याम के नाम से इनकी शॉप है। भैया नाम क्या आपका? सचिन। तो भैया आपके यहाँ क्या क्या आइटम मिलता है? राजमा है, छोले है, दाल है, कढ़ी है, मटर पनीर है, शाही पनीर है। तो और यहाँ पे फेमस क्या है? राजमा मटर पनीर। अच्छा, तो आप भाई देख सकते हो भाई सेटअप देखो भाई कितना तगड़ा सेटअप लगा रखा है। सेंट्रो गाड़ी है भाई ये, सेंट्रो कार देखते हो ना आप, उसी के अंदर इतना सारा सेटअप बना रखा है, पूरी दुकान ही खोल रखी है। समझ में आता है, वैसे लोग दुकान खोलते हैं कोई ऐसी चीज़ के लिए, कोई दुकान लेता है उसका रेंट देना पड़ता है उसको, लेकिन नहीं भाई भैया ने यहाँ पे सेंट्रो के ही अंदर पूरा सेटअप कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या भैया के पास है, देखते हैं। आइए, ये हमारे छोला है। छोला ये लो भाई, ये छोले हैं। अरे भाई कितने मस्त लग रहे हैं एकदम गाढ़े गाढ़े। और आगे ये राजमा है। ये राजमा है भाई, जो यहाँ का स्पेशल है राजमा, वही ये राजमा है। ये शाही पनीर है। शाही पनीर भाई। ये मटर है, मटर पनीर। ये दाल मखनी है जो खत्म होने वाली है। अच्छा, मतलब लेट हो गए, मतलब आ जाओ। लेट हो गया। ये कढ़ी है। ये कढ़ी है भाई, देखो भाई पकोड़े का साइज भाई। तो गाइस चलिए चलते हैं, हम अपने लिए यहाँ पे लगवाते हैं स्पेशल थाली, जो भैया यहाँ पे सबके लिए लगाते हैं स्पेशल थाली। तो भैया क्या लगाने आ रहे हो, क्या डाल रहे हो भैया आप उसमें? मटर पनीर। ये मटर पनीर आ गए भाई स्पेशल थाली में, इनकी आ गई है मटर पनीर। ज़रूरी नहीं स्पेशल थाली मटर पनीर, आप इसमें से कोई सी वैरायटी डलवा सकते हो भाई, ठीक है ना। ये आ गई मटर पनीर, ये राजमा जो भाई यहाँ की शान है, देख रहे हो भाई राजमा कलर कितना गजब का कलर आ रहा है। ये रोटियाँ, कितनी रोटी होती है? ये चार रोटी बटर लगी। अच्छा चार रोटी होती है भाई, बटर लगी हुई तवा रोटी होती है ना। और चावल आ गए भाई, ये देखो ऊपर से आ गया भाई सैलेड प्याज और खीरे का, ऊपर से सॉस आ गई भाई, चटनी आ गई भाई, मिंट सॉस बोलते हैं जैसे। और ये चम्मच रेडी हो गया है। तो भाई गाइस ये हमारी प्लेटिंग लग के बिल्कुल रेडी हो गई। तो गाइस ये प्लेटिंग लग के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये हमारी मटर पनीर देखो भाई, और ये है राजमा जो यहाँ का स्पेशल है सबसे ज़्यादा। और सर दी गई चार रोटी, और ये है देखो भाई चावल, प्लेन राइस है, उसके बाद सैलेड दिया गया है। तो चलिए टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है इनका, है ना। ये रोटी से स्टार्ट करते हैं पहले। तो गाइस ये है इनकी चार रोटियां जिसके बाद अंदर बटर लगा हुआ है इनका। चलिए स्टार्ट करते हैं रोटी से। आइए पहले भाई राजमा लूँ कि छोले लूँ? पहले लूँगा मैं राजमा जो कि यहाँ का फेमस है, है ना। ये बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट है यार। तो भाई इनके राजमा में कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, एकदम जैसे अपने घरों में बनते हैं वैसे ही राजमा है, एकदम मस्त टेस्ट आ रहा है इनका, तभी यहाँ का स्पेशल है राजमा भाई। बहुत बढ़िया लग रहा खाने में, मैं तो भाई इसको खाऊंगा और एक बार और। तो मटर पनीर से भी करके देखते हैं एक बार। ये देखो भाई मटर पनीर, गजब है,
सही बताऊँ तो यार राजमा से बढ़िया मटर पनीर लग रही है मुझे। पहली बाइट में मज़ा आ गया यार। गजब 10 out of 10 एकदम क्रीमी ग्रेवी लग रही है एकदम। देखो भाई आप आओगे ना भाई तभी पता चल पाएगा ऐसा टेस्ट आपको, ठीक है। तो भाई चलिए चावल से भी एक बार ट्राई करते हैं इनके राजमा। ये देखो भाई वैसे इनके पास रायता भी होता है, भैया आग लाना भूल गए हैं रायता, लेकिन कोई नहीं बिना रायते के भी स्टार्ट हो जाएंगे हम तो। गजब भाई सैलेड को भूल गया मैं, कितनी देर से सैलेड रखा हुआ है, मैं सैलेड पर ध्यान नहीं दे रहा। सही है भाई एकदम, मटर पनीर से भी करके देखते हैं। रोटी से ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, लेकिन चावल से इतना नहीं आ रहा, रोटी से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन आइए बेस्ट लगेगा आपको, 10 out of 10 रेटिंग दूंगा भाई मैं इसकी पूरी। गजब आइए कस्टमरों से रिव्यू लेके देखते हैं उनको कैसा टेस्ट लग रहा है यहाँ का। तो हाँ जी सर क्या नाम है? खाना बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा तो कैसा टेस्ट लग रहा है सर आपको? अच्छा है। अच्छा बहुत गुड। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है यहाँ पे? राजमा चावल। राजमा चावल जी, राजमा चावल ही है भाई यहाँ का फेमस। तो कब से आ रहे सर आप? अब तो रेगुलर लेते हैं। रेगुलर मतलब लंच टाइम यहीं पर करते हैं? अच्छा सर यहाँ पर रेगुलर आते हैं, लंच यहाँ पर यहीं करते हैं आके। चलिए और किसी भी लेके देखते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनीस। अच्छा तो सर क्या अच्छा लगता है यहाँ पे आपको? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मगर लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ के मतलब चलती फिरती दुकान पे बहुत बढ़िया राजमा चावल बनता है। अच्छा चलती फिरती दुकान भाई देख रहे हो, चलती फिरती दुकान। हाँ तो फिर जब टेस्ट करा तो बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अच्छा अच्छा लगा। तो यहाँ पे सर पहली बार आए हैं और उन्होंने पहली बार में भाई पास हो गए राजमा चावल इनके। भैया आपका नाम क्या है? अच्छा भैया भैया ने अभी तो खाया। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ भैया क्या नाम है आपका? रहमत। अच्छा आप भी पहली बार आए हो कि आते रहते? जी भाई साहब पहली बार। पहली बार तो मतलब राजमा चावल पास है एकदम बढ़िया? जी भैया बढ़िया एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया राजमा चावल है। आप भी आइए एक बार सेंट्रो भाई, आगे से आपको सेंट्रो लगेगी, सेंट्रो देख के चले मत जाना, पीछे आके एक बार देखना, पीछे पूरी स्टॉल लगी हुई है, श्री खाटू श्याम के नाम से इनकी स्टॉल है। तो गाइस इन्होंने सेंट्रो के ही अपनी सेंट्रो से ही एक अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया है श्री खाटू श्याम फास्ट फूड से, और इसका एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई मेन अग्रवाल धर्मशाला रोड नियर मीठापुर बदरपुर। तो भाई यहाँ पर ही एक बार जरूर विजिट करो, इतनी सारी वैरायटी है इनके अंदर। देखो भाई ज़रूर आओ भाई इनके पास भी, बहुत इन्होंने नया ही खोला है अभी, उसको मतलब 10-15 दिन हुए हैं। गाइस ये है इनकी प्राइस लिस्ट, देखो भाई सारे रेट एकदम जेन्युइन रेट मिलेंगे आपको, कुछ भी ले लो, थाली भी है और सारी चीज़ें इनके यहाँ जेन्युइन है। तो आइए एक बार इनका एड्रेस लेते हैं और इनकी टाइमिंग पूछते हैं। भैया बताइए। 12 से 3 बजे तक टाइमिंग है मेरा, 3:30 बजे तक। और एड्रेस? एड्रेस है मथुरा रोड मोहन स्ट्रीट BMW के पास। तो ये हो गए भैया के 90 रुपये जो हमने उनकी प्लेटिंग खाई थी। चलो भैया जी तो भाई आप भी आइए मोहन स्ट्रीट के पास, पीछे BMW और ऑडी का शोरूम है, उसी के जस्ट सामने सेंट्रो पे लगाते हैं। भैया जी सेंट्रो देख के आप चले मत जाना भाई, पीछे देखना, पीछे ही मिलेगा आपको माल, वो है राजमा चावल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।